यशस्वी जायसवाल का शतक, भारत ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 10 विकेट से मात दी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक ठोका। इस वर्ल्ड कप में ये यशस्वी जायसवाल का पहला शतक है। शतक लगाने के साथ साथ जायसवाल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। जायसवाल अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहले बल्लेबाज हैं जिसने 300 रनों का आंकड़ा छुआ है। उन्होंने श्रीलंका के रविंदु को पीछे छोड़ा। जायसवाल का संघर्ष, बता दें कि यशस्वी जायसवाल का अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन उन लोगों के लिए मिसाल है जो हमेशा गरीबी और कम साधनों का रोना रोते रहते हैं। यशस्वी जायसवाल के शतक की मदद से भारत ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल मैच में 10 विकेट से हरा दिया। भारत इस जीत के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। बता दें कि यशस्वी जायसवाल का अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन उन लोगों के लिए मिसाल है जो हमेशा गरीबी और कम साधनों का रोना रोते हैं। ये खिलाड़ी मुंबई के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के गार्ड के साथ 3 साल तक टेंट में रहा। जायसवाल ने महज 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। वो क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई आ गए थे। दो भाइयों में छोटे जायसवाल उत्तर प्रदेश के भदोही में रहने वाले हैं। उनके पिता वहीं एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। जायसवाल कम उम्र में ही क्रिकेट का सपना लेकर मुंबई पहुंच गए थे। उनके पिता के लिए परिवार को पालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐतराज भी नहीं किया। मुंबई में जायसवाल के चाचा का घर इतना बड़ा नहीं था कि वो उसे साथ रख सके, इसलिए चाचा ने मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के अनुरोध किया कि वो यशस्वी को टेंट में रहने की इजाजत दें। यशस्वी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इससे पहले वो कालवा देवी डेयरी में काम करता था। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक जाता था और सो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे ये कहकर वहां से निकाल दिया कि मैं सिर्फ सोता हूँ और काम में उनकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद जायसवाल ने 3 साल टेंट में बिताए जहाँ बारिश के वक्त छत टपकती थी। यशस्वी ने कभी अपनी संघर्ष भरी जिंदगी की खबर माँ पिता को नहीं थी, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता कि वो उसे मुंबई में वापस बुला लेते, इससे क्रिकेटर बनने का सपना टूट जाता। बता दें कि यशस्वी दिन में क्रिकेट खेलते थे और रात में वक्त गोलगप्पे बेचते थे, लेकिन इसके बावजूद कई रातों को उन्हें भूखा सोना पड़ता था। यशस्वी ने एक इंटरव्यू में संघर्ष के दिन याद करते हुए कहा था कि रामलीला के समय मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी। मैं यही दुआ करता था कि मेरी टीम के खिलाड़ी वहां ना जाएं, लेकिन कई खिलाड़ी वहां जाते थे। मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं हमेशा अपनी उम्र के लड़कों को देखता था, वो घर से खाना लाते थे, मुझे तो खुद बनाना था, खुद ही खाना था। दोपहर और रात का खाना टेंट में मिलता था। इसके अलावा नाश्ता दूसरों के भरोसे होता था। टेंट में भी रोटियां बनाता था। वहां बिजली नहीं थी, इसलिए हर रात कैंडल लाइट डिनर होता था। इतने संघर्षों के बावजूद इस खिलाड़ी ने अपने पहले मुंबई की टीम में जगह बनाई। वो इंडिया के अंडर 19 टीम में शामिल हुए। अब उन्होंने अपने बल्ले से अंडर 19 वर्ल्ड कप में कोहराम मचा दिया है। यशस्वी जायसवाल के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।